नंबर देखते हैं 13, कह रहा है कि यदि एक वृत्त की दो समांतर जीवाओं में से प्रत्येक किसी तीसरी जीवा द्वारा समद्विभाजित हो तो सिद्ध करें कि तीसरी जीवा वृत्त का व्यास है। तो चलिए सबसे पहले एक वृत्त की रचना कर लेंगे। यहाँ पे ये आपका एक वृत्त हो गया। अब क्या करना है कि इस पे दो समांतर जीवाएं लेनी है। चलिए दो समांतर जीवाएं हम लोग इस पे पहले खींच लेते हैं। एक ये हो गया और इसके समांतर में एक कोई दूसरी जीवा हम लोग इधर ले लेते हैं, ठीक है। और दोनों के नाम दे देते हैं कुछ। चलिए इसका नाम देते हैं ए बी और इसका नाम देते हैं सी डी, ठीक है। अच्छा, एक तीसरी जीवा लेनी है जो दोनों के द्वारा समद्विभाजित हो, है ना। तीसरी जीवा द्वारा समद्विभाजित हो रहा कौन? ये दोनों दो समांतर जीवा है वही समद्विभाजित हो रही है। अच्छा, जैसे मतलब आपको थोड़ा लंबा खींचना होगा क्योंकि इसे दिखाना ना कि ये वृत्त का व्यास है, ये जो जीवा है वृत्त का व्यास है। तो एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाना होगा और ये भी दिखाना होगा कि केंद्र से होकर जा रहा है ना। तो यहाँ केंद्र ओ ले लीजिए। अच्छा, इसे समद्विभाजित करिए। यहाँ पे एक बिंदु देते हैं एम और यहाँ देते हैं एन। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ये जो है ना ये रेखा जो है इसका नाम मान लीजिए पी क्यू। ये क्या कर रहा है कि इसको इस जीवा को और इस जीवा को समद्विभाजित कर रहा है और दोनों जीवाएं समांतर है ये भी दिया हुआ है। ये इनको दो बराबर भागों में बांट रहा है और दोनों जीवा ए बी और सी डी क्या है समांतर है ये दिया है। तो आपको सिद्ध क्या करना है कि ये जो तीसरी जीवा जो देख रहे हैं ना पी क्यू ये वृत्त का व्यास है। यानी आपको दिखाना होगा कि अगर ये केंद्र से होकर जा रहा है और ये एक सरल रेखा है ना, और जीवा तो कह ही रहा है क्वेश्चन में, तब ये वृत्त का क्या हो जाएगा व्यास कहलाने लगेगा। तो यही आपको दिखाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ आपके पास कि ए बी तथा सी डी, ए बी तथा सी डी दो समांतर जीवाएं हैं, समांतर जीवाएं हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है कि ये इसको समद्विभाजित कर रहा है ना। क्या लिख सकते हैं एम, ये या इसका नाम लिख दिया ना पी क्यू, ये पी क्यू जो है ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं पी क्यू, पी क्यू जीवा ए बी तथा सी डी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। ऐसे लिख देंगे तो अच्छा रहेगा एम और एन के अलावा। चलिए समझ गए। आप देखिए और क्या कह रहा है कि ये जो है ना ए बी समांतर है सी डी के, ये चीज दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ये जो जीवा है ना, जीवा कौन सी जीवा पी क्यू, जीवा पी क्यू वृत्त का व्यास है। ये जो है आपका वृत्त का व्यास है, ये आपको दिखाना है, ठीक है, समझ गए ना। अब चलिए इसका प्रमाण देखिए किस तरह से लिखेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज ले लेते हैं कि ओ वृत्त का केंद्र है, यहां लिख देते हैं तथा ओ वृत्त का केंद्र है, या इसको आप रचना में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओ वृत्त का केंद्र है मान लेंगे, रचना लिख के वो भी कर सकते थे, ठीक है। ये नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ भी रचना में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका प्रमाण देखिए। अच्छा, यहाँ देख रहे हैं कि पी क्यू जो है ना, पी क्यू जीवा पी क्यू, जीवा पी क्यू ए बी तथा सी डी को समद्विभाजित करता है ना, समद्विभाजित मतलब उनको दो बराबर भागों में बांट रहा है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है यानी कि उनको दो बराबर भागों में बांट रहा है। यानी कि आप यहां से लिख सकते हैं ए एम बराबर बी एम, अच्छा, और सी एन बराबर डी एन। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान में आना चाहिए कि जब अगर है ना, अगर ये केंद्र है और केंद्र से यहाँ पे कोई रेखा खींचिए और इसको ये समद्विभाजित करे तो इस पे लंब ना होगी, आप देखे ना प्रमेय, इसलिए आप यहाँ कह सकते हैं कि ओ एम जो है ना लंब है ए बी पर, क्योंकि उसको समद्विभाजित कर रहा है ना, और दूसरा कौन है ओ एन जो है ना, ओ एन ये भी लंब है सी डी पर, ठीक है। और चूंकि आपके पास ये दिया है कि ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के, अच्छा जब समांतर है सी डी के, और देखिए क्या क्या हो रहा है, ये लंब है और ये भी लंब है, ये लंब है और ये भी लंब है, और ये दोनों आपस में समांतर है, अर्थात ये पता चल रहा है कि ये जो एम एन है ना, एम एन एम एन ये एक रेखा हो जाएगी क्योंकि इसमें ओ एक बिंदु स्थित होगा, इससे ये नहीं पता चल रहा है। जैसे आप यहां देख रहे हैं कि ए बी, ए बी जो है समांतर है सी डी के, ठीक है, और दूसरा कंडीशन ऊपर देखे हैं कि ओ एम लंब है ए बी पर और ओ एन लंब है ए बी पर, तो अगर ये लंब है ये भी और ये भी और ये दोनों समांतर है तो ये एक ही रेखा होगी,
है ना, ये ओ एम कहिए या ओ एन कहिए, ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, एम एन रेखा, एम ओ एन कह सकते हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं ऐसे कि इसलिए, क्या लिख सकते हैं, ओ एम ओ एन एक ही रेखा है, एक ही रेखा है, समझ रहे ना बात को। अच्छा, जब दोनों एक ही रेखा है तो आप ये लिख दीजिए कि एम ओ एन एक रेखा के रूप में आ रहा है, या ऐसे कह सकते हैं कि पी ओ क्यू भी एक रेखा हो जाएगा, है ना, यहाँ लिख दीजिए। अतः पी ओ क्यू एक रेखा है, है ना, एम ओ एन रेखा है तो पी ओ क्यू भी एक रेखा है, क्योंकि उस पर एम और एन बिंदु स्थित है ना, है ना, एक रेखा है, क्योंकि क्योंकि M और N, M और N दोनों दोनों पी ओ क्यू पर स्थित है, है ना, उसी पर ये स्थित है। अब देखिए क्या निष्कर्ष निकलता है कि ये जो पी ओ क्यू है, ठीक है, एक रेखा हो गई, और ये एक ए पी P की बात करें और Q की बात करें, ये PQ की जो रेखा की बात करें, तो ये आपकी क्या है, एक जीवा का भी काम कर रही है। ठीक है, यहाँ लिखे हुए है ना, देखिए जीवा भी है, ये क्वेश्चन में कह रहा ना कि तीसरी जीवा, यानी कि ये जीवा भी है, एक रेखा भी है जो O से होकर जा रही है, अर्थात आप कह सकते हैं इसलिए, इसलिए क्या कह सकते हैं कि PQ PQ वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है, समझ गया ना। चलते अगले क्वेश्चन पे, चलिए क्वेश्चन